हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे। प्यारे, यहाँ हमारा चल रहा है क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर वेक्टर्स, जिसका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8। इससे जस्ट पहले हमने लेक्चर 7 में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था वेक्टर्स का, कौन सा स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, उसकी पूरी थ्योरी कंसेप्ट के साथ बताई थी। आज हम उसके कर रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स। बच्चे, साथ में करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई में अपने जहन में इसका कंसेप्ट बैठाना चाहते हैं तो। ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको साथ में मेरे करने हैं, इसलिए कॉपी और पेन लेके आ जाइए। कुछ 10-12 प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ करा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप असाइनमेंट में से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे वो मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल उससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने अटेंड नहीं करे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पार्ट्स के लिंक्स गिवेन हैं, वहाँ जाके आप अटेंड कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप एलए के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। चलिए बात आई सबसे पहले न्यूमेरिकल। प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो फिर से दे देता हूँ डॉट प्रोडक्ट का। बच्चे, दो वेक्टर्स के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट, उसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, जहाँ थीटा का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर ऐसे इस फॉर्म में गिवन होता है ए वेक्टर बी वेक्टर आई जे के की टर्म्स में, तो क्या फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, वो हमने डिराइव किया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। और ये फॉर्मूले में a1 a2 क्या होते हैं, ये आई जे के कोफिशिएंट, a1 a2 b1 b2 c1 c2। फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, कि इस चैप्टर में कई बार आपको दो वेक्टर्स दे रखे होंगे और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा जाएगा कितना है। 99% ऑफ द केसेस में आप डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगा के ही अगर आप थीटा निकालते हैं तो चुटकियों में निकलने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, कह रहे हैं दोनों के बीच का एंगल निकालिए, तो हम डॉट प्रोडक्ट का सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट हम लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ निकाल लें, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो कॉस थीटा आ जाना है, नहीं आ जाना है। तो चलो पहले कॉस थीटा का ही फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। प्यारे, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आई ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, आई का कोफिशियंट को आई के कोफिशियंट से, जे का जे से, के का के से। जैसे यहाँ पे आई का कोफिशियंट क्या है 1, यहाँ क्या है -1, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1 × -1 a1 a2, फिर b1 b2, यानी यहाँ पे आपका 2 और यहाँ 1, ऐसे यहाँ -1 यहाँ -2, ये लीजिए -1 × -2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख दिया। नीचे है ए का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अगर किसी भी वेक्टर को आई जे के टर्म्स में दे रखा है, ये फिर हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि जो भी आई जे के का कोफिशियंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यहाँ 1 का स्क्वायर, आई का कोफिशियंट 1 है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ -1 का स्क्वायर कर दो चाहे 1 का स्क्वायर कर दो, बात एक ही है, स्क्वायर करके प्लस ही हो जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखता हूँ, माइनस साइन नहीं लगाना है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस साइन लगा के कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये लीजिए, ये हो गया आपका -1 प्लस 2 प्लस 2,
अपॉन ये हो जाएगा 456 अंडर रूट 6, ये हो जाएगा 456 अंडर रूट 6। तो ऊपर तो हो गया आपका 4 - 1 3 और ये रूट 6 इंटू रूट 6 हो जाएगा 6, 1/2 आपका। ये तो कॉस थीटा आया प्यारे, कॉस थीटा कितने एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है कॉस थीटा की, ये लीजिए कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो सिंपली इन दोनों के बीच का एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है प्यारे, अपने आप करिए उसके बाद देखिएगा पॉज करके अगर नहीं समझ में आया। आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड पे आने के बाद पहले आप उसको खुद समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा, नहीं हो तब ही मेरा जो सॉल्यूशन है उसको देखिएगा। शुरुआत में हो सकता है मेरा देखते हुए चलिए, लेकिन आगे जैसे जैसे आते जाएंगे फिर आप जब समझते जाएंगे अच्छा क्या ट्रिक लगा रहे हैं सर, तब अपने आप करना शुरू कर देना। फिलहाल चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, ये लीजिए, ये चीज़ बार बार यूज होगी तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे ए कॉस थीटा कभी भी एंगल निकालना है तो यही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने यहाँ पे लगाया था। ठीक है, कह रहे हैं प्रूव दैट टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, ये और ये लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ लिख रहा हूँ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप। बेटा के नहीं लिखा है उसमें, इसका मतलब ये मत समझना कि के गायब कर दिया, मिसिंग है, नहीं। किसी भी वेक्टर को हम तीन कंपोनेंट्स में अगर तोड़ते हैं तो हो सकता है तीसरा वाला कंपोनेंट जीरो आए, इसलिए वहां पे कुछ नहीं लिखा होने का मतलब मान सकते हैं कि जीरो के कैप। फिलहाल कह रहे हैं कि ये शो करिए कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी सिंपल सी बात है कि हमने फिर से क्या प्रूफ करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल के दिखाना है कि भैया 90 डिग्री है। तो चलो अपने आप करो पॉज करके फिर मेरा देखना। ये लीजिए सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, आई को आई से, जे को जे से, के वाले को के से, यानी 1 × 2 1 × 2 और 2 × -1 2 × -1 और ये 3 × 0 करेंगे, ये तो 0 ही हो जाना है। ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, के का तो है ही नहीं इसलिए उसे हमने छोड़ दिया। तो ऊपर हो गया आपका 2 - 2 तो 0 हो गया, सब 0 हो गया, कॉस थीटा 0 आ गया। अरे कितने एंगल पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है, यस बिल्कुल, कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 90 डिग्री को आपको मालूम है रेडियन में लिखना चाहें तो π/2 रेडियन भी लिख सकते हैं, रेडियन का सिंबल होता है, डिग्री में पूरा गोला बनता है, रेडियन में आधा गोला बनता है, सी की तरह। ठीक है प्यारे, चलिए अपने आप करिए फिर बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या क्वेश्चन है देखिए, बोल रहे हैं टू वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर आपको दे रखा है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब की बार ये दोनों वेक्टर्स पहले से दे रखा है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बताइए भाई कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, है ए, ए का लिखा है ये वाला ए नहीं, ए वेक्टर नहीं, ये स्मॉल ए, ये लिखा है स्मॉल ए, ये लीजिए ए वेक्टर, ये है आपका 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप। प्यारे बच्चे अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पहले से ही दे रखे हैं, व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला ए बी कॉस 90 आएगा, क्योंकि ये पहले से परपेंडिकुलर है, कॉस 90 होता है 0, 0 होने की वजह से RHS हो जानी है बिल्कुल 0। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये मैंने प्रॉपर्टीज में बताया, लेकिन अभी फिर से नोट कर लो कि सर ने बोला अगर कभी भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0। MCQs में इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आएंगी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब उनका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट छोड़ो, बस ये नोट कर लो, परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। फिलहाल डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, यानी 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 14 और -3 × - a हो जाएगा +3a। ये लो, ये तो कितना सिंपल सा, 3a = 24, उधर जाके -24, a =
माइनस ए। सिंपल से क्वेश्चन है, एक एक नंबर के आएंगे एग्जाम में, देखिए कितना सिंपल है। सिंपल सिंपल कर रहे हैं, फिर आगे सिंपल से मीडियम लेवल और हाई लेवल पे जाएंगे। आगे सबसे आखिरी में मैं आपको कराने वाला हूँ एक मास्टर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए और गारंटीड कई स्कूल्स में ये आएगा ही आएगा, कॉम्पिटिशन्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए आखिरी तक बने रहना। मास्टर क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब ये सिंपल और मीडियम वाले क्वेश्चंस हम कंटिन्यूअसली ऑर्डर वाइज लगाते चलेंगे। फिलहाल चलिए, आ रहा है आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए बोल रहे हैं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स 3 r 3 and 4, जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे लिखते जाओ। कभी भी न्यूमेरिकल से घबराओ मत, फिजिक्स से प्यार करो प्यारे, कॉन्फिडेंस जगाओ कि हाँ हम हर एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले ये सोच होना ज़रूरी है, सोच के साथ ऑब्वियसली कंसेप्ट तो आने ही चाहिए। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स आर 3 and 4, यानी दो वैक्टर ले लें ए और बी, दोनों के मैग्नीट्यूड दे रखें, एक का 3 एक का 4, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है सिंपल ऐसे ही लिख लेते हैं। दिया स्केलर प्रोडक्ट इज 6, अरे स्केलर प्रोडक्ट तो डॉट प्रोडक्ट से शो करते हैं, ये लो ये तो दे रखा है 6। कह रहे फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, प्यारे देखिए अभी पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने एंगल निकालना था, यहाँ पे भी एंगल निकालना है, लेकिन ध्यान रखो जब भी आई जे के की टर्म्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है ऐसे और वो बोलें कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, तब आप फॉर्मूला लगाओगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, सॉरी गलत बोल दिया, तब आप ये जो फॉर्मूला लगाओगे तब कौन सा लगाओगे, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 लगाओगे अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे दे रखा है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है प्यारे इसमें थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला वही है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कहाँ से आया, सिंपल सी बात है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया ये, नीचे जाके यही बनेगा। तो यहाँ पे तो वो वाला फॉर्मूला लगाओगे a1 a2 b1 b2, लेकिन यहाँ पे पहले से ही आपको दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 6, तो सिंपल 6 लिख दो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग दे रखा है, लो ये 3 हो गया ये 4 हो गया, अरे भैया इससे और आसान क्या क्वेश्चन लोगे, 1/2 कितने वैल्यू पे कितने एंगल पर होता है 1/2, जी हाँ 60 डिग्री, ये सिंपली आपका आ गया, जैसे वहाँ भी 60 आया था यहाँ भी 60, लेकिन वो अलग क्वेश्चन था ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे। ओके चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए जरा क्या है, बोल रहे हैं पढ़िए जरा क्या बोल रहे हैं, कि अ बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग जेड एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस का जो सिस्टम होता है वो जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्स्टेंट फोर्स, कॉन्स्टेंट फोर्स उस पर लग रही है कितनी, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है न्यूटन में, ओके न्यूटन लिख दिया। वेयर आई जे के रिप्रेजेंट यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस, ये तो पता ही है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग, डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करते हैं, इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, बच्चे डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर दे रखी है। अभी याद करो मैंने थ्योरी में भी बताया था कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है 10th क्लास में, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जिसे हम ए बी कॉस थीटा की जगह एफ एस कॉस थीटा की जगह एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चे अगर वर्क यहाँ पे इसने पूछा है कितना होगा तो एफ वेक्टर की वैल्यू डाल दें, वैल्यू नहीं एफ वेक्टर पूरा लिख दें यहाँ पे, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और डॉट लगा के एस वेक्टर। अब एस वेक्टर में बच्चे यहाँ 4 मत लिख देना, यहाँ वेक्टर लिखा है एस वेक्टर, ये वैल्यू दे रखी है।
अगर इस फॉर्मूले में आप डालोगे एस, तो यहाँ तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, एस का मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड है, तब तो यहाँ पे एस की वैल्यू 4 डाल सकते थे, लेकिन इस फॉर्मूले में जब आप डाल रहे हो तो 4 नहीं, वेक्टर की टर्म्स में तो बेटा है, तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, तो जो भी चीज़ डालोगे वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 4 है, डायरेक्शन क्या है वो देखो, डायरेक्शन उसने साफ साफ लिखा है 4 मीटर अलॉन्ग जेड एक्सिस। आपको मालूम है किसी भी वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 4 और डायरेक्शन क्या है यूनिट वेक्टर, क्योंकि अलोंग जेड एक्सिस है उसका मोशन, तो जेड एक्सिस के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसे के कैप से डिनोट करते हैं, तो एस वेक्टर की जगह हम यहाँ पे 4 के कैप लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल हमें दे ही नहीं रखा, एंगल दे रखा होता तो वो लगा देते। फिलहाल जब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, अरे आई का आई तो यहाँ है ही नहीं, जे का जे तो है ही नहीं, तो वो हटा दो, के का के से कर दो, 3 × 4 = 12, और क्योंकि ये न्यूटन में है ये मीटर में है, तो वर्क की एसआई यूनिट आ जाएगी जूल, तो ये आपका सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, अरे ये तो मैग्नीट्यूड निकला, इसका डायरेक्शन भी तो निकाल दो भैया, अरे डायरेक्शन मत निकालने बैठ जाना प्यारे, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट से आई है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो सिर्फ वैल्यू लिख के छोड़ दोगे, हाँ अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी कहीं पर भी तो डायरेक्शन भी लिखोगे, और डायरेक्शन किसके टर्म्स में बताया जाता है, बीटा के टर्म्स में, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। बोले सर बार बार बोल रहे हो लास्ट लेक्चर, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट लेक्चर, नहीं अटेंड किए हो सही से तो एक बार करके आओ अटेंड, कर लिए हो तब भी एक बार फिर से कर लो, अगर अच्छे से दिमाग में चीज़ें नहीं बैठी हैं, जब तक करो दूसरा क्वेश्चन। देखिए भैया पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं कि तीन वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स, सच दैट ए वेक्टर प्लस इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसा दे रखा है। ठीक है प्यारे, ये लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, यानी ए बी और सी 5, 4, 3, कह रहे हैं ए और सी के बीच एंगल निकालो। बच्चे बहुत ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, यहाँ पे मैं इसका आंसर तो बता ही रहा हूँ, साथ में कुछ और भी चीज़ बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो ये करना है, ऐसा हो तो ये करना है, ध्यान से, क्योंकि एंगल निकालना है तो सबसे पहली बात तो किस चीज़ का कंसेप्ट लगेगा, डॉट प्रोडक्ट का लगेगा, कहीं पे भी एंगल निकालना है डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है हमें, तो हमें अगर मान लें कि बी और सी के बीच का एंगल निकालना होता, एंगल निकालना है, थीटा निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी होगी उसका उसी से ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे। देखो जैसे मैथ्स में करते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ऐसे ही यहाँ पे हम कहीं पे भी इक्वेशन दे रखी है तो उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेंगे, ए का ए से ले लो, बी का बी से ले लो, बी प्लस सी का बी प्लस सी से ले लो। बोले सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं बच्चे, ये देखिए यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर हमने लिख दिया और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का बी प्लस सी से ही डॉट प्रोडक्ट ले लिया, दोनों का अपने आप से ही डॉट प्रोडक्ट ले लिया। कैसे लिया बच्चे, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ, आप सही से समझिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ डिटेल में ऐसा कैसे कर पाए। देखिए अगर इस तरीके से लिखा है तो इनके मैग्नीट्यूड, अगर दोनों तरफ वेक्टर्स इक्वल हैं तो इनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल रहे होंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल रहे होंगे, ऑब्वियसली ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो गई होगा। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं, ये लीजिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, जैसे मैथ्स में करते हैं, अगर इधर वैल्यू 3 है, इधर जो भी वैल्यू स्क्वायर करेंगे तब भी सेम रहेगा। और आपको मालूम है प्यारे, डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है, जैसे कहीं पे होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं ए ए कॉस थीटा, ठीक है, नहीं ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर हैं, इनके बीच जीरो एंगल होगा, कॉस 0, 1 होता है, और ए वेक्टर और ए वेक्टर बन जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आप ये देखो कहीं पे भी किसी
वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यही है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका इसी से डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, जैसे कहाँ से आया वो ये। ऐसे किसी वेक्टर का स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का तो क्या लिख सकते हैं इसे, इसका इसी से डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया, डायरेक्ट इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे जंप कर दिया। जो आप आगे ध्यान रखोगे, कोई भी इक्वेशन है इक्वल है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ हम दोनों तरफ जैसे स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे यहाँ पे दोनों तरफ उसी क्वांटिटी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद इट्सेल्फ ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद इट्सेल्फ ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, पूरा लिख लेना, ये मत लिख लेना कहीं, ठीक है, डिपोइवोस। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे, आप जब इसे ओपन करोगे तो ये तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और ये जब ब्रैकेट खोलोगे तो इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे, तो ये बन जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी सी कॉस थीटा, ये सी बी कॉस थीटा, जो मिलके हो जाएगा टू बी सी कॉस थीटा, और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर। अब अगर हमें ए बी और सी की वैल्यूज दे रखी हैं तो ये सारी वैल्यूज डाल के थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल वही हमने थीटा निकालना है, फाइंड द एंगल। लेकिन प्यारे इस क्वेश्चन को ऐसे मत कर देना, बहुत ध्यान से करना, ये बताओ ये जो एंगल थीटा आया है ये किस किस के बीच का आया है। ये भैया यहाँ पे वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखा था, तो ऑब्वियसली इसमें जो थीटा आएगा वो बी और सी के बीच का ही तो आएगा, लेकिन क्या हमें बी और सी के बीच का निकालना था, हमें निकालना था फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। भैया ए और सी के बीच का निकालना था, बी और सी के बीच का नहीं निकालना था, क्योंकि B और C एक तरफ लिखा था, तो अगर आप इसका इसी से ही डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं B वेक्टर डॉट C वेक्टर ही बनेगा, A वेक्टर डॉट C वेक्टर नहीं बन जाएगा। अगर आपको थीटा निकालना है A और C के बीच तो आपको ये करना पड़ेगा, A और C एक तरफ लोगे फिर उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट करोगे तब जो एंगल आएगा वो A और C के बीच आएगा। जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं समझिए, यहाँ पे C को इधर ले जाओ क्योंकि A और C के बीच एंगल निकालना है, तो ये हो जाएगा A वेक्टर माइनस C वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, इधर जाके माइनस हो गया। अब इसका इसी से ही जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इधर A वेक्टर माइनस C वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस C वेक्टर, और इधर B वेक्टर डॉट B वेक्टर। ब्रैकेट ओपन करने के लिए इसको इससे इसको इससे, तो पहली टर्म होगी A वेक्टर डॉट A वेक्टर, वेक्टर का साइन लगाना मत भूलना, फिर दूसरी टर्म होगी ए वेक्टर माइनस में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और फिर यहाँ पे माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर माइनस सी इंटू माइनस सी हो जाएगा प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इंटू नहीं डॉट लिखना है, ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ही है। अरे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो क्या होता है, ए स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर होता है ए सी कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा सी ए कॉस थीटा, जो मिलके हो जाएंगे टू ए सी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो प्यारे ये जो थीटा आया, अब बताओ ये किसके बीच का एंगल आया, क्योंकि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर था तो ऑब्वियसली थीटा जो है वो ए और सी के बीच का ही आएगा जो हमने निकालना था ए और सी के बीच, इसलिए सी एक तरफ लेने से ये फायदा हुआ। ये लीजिए अब सिंपली ए बी सी की वैल्यू डाल दो, 5 4 3 5 इसकी है, और ये 5 3 कॉस थीटा प्लस सी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये आपका हो गया 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 प्लस 9 34, और ये इधर आके 16, 34 माइनस 16 इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10, 10 थ्री ज़ा 30 कॉस थीटा, ये आपका कितना हो गया 34 में से 16 गए 6 गए 28 और 10 गए 18 कॉस इज इक्वल टू 30 कॉस थीटा, ये लीजिए तो cos थीटा इज इक्वल टू 18/30 6 5 6 3 यहाँ पे आप cos थीटा देखेंगे 3/5 हो जाएगा 0.6, चार डिजिट तक कम से कम होना चाहिए, तो थीटा कितना हो जाएगा cos inverse 0.6000, ये थीटा की वैल्यू आ गई, जो हम डायरेक्टली ऐसे ना लिख के कहाँ से निकालते हैं,
आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होती हैं लॉगरिथमिक बुक में, बुक के पीछे दे रखी होती हैं, वहाँ से इसकी वैल्यू देख के थीटा बताएंगे कितना है। अगर नहीं आता है आपको कि कैसे निकालें, तो लिंक में या वीडियो के सबसे आखिरी में या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालना सिखाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आएगा। ठीक है प्यारे, तो ए और सी के बीच निकालना था तो ए और सी एक तरफ होना चाहिए, बी और सी के बीच निकालना है तो ये एक तरफ होना चाहिए, और ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो बी इधर उठा के हम लाते, फिर दोनों का दोनों से डॉट प्रोडक्ट करते। ठीक है, चलिए अपने आप करिए, फिर उसके बाद पॉज करके बढ़िए आगे। ठीक है प्यारे, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, पहले पॉज करके अपना दिमाग लगाइए फिर ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा। वही चीज़ है, एंगल निकालनी है, डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगेगा। कैसे देखिए बच्चे, यहाँ दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। कह रहे हैं इन दोनों के बीच एंगल शेंगल निकालो कि भैया कितना होना है। प्यारे एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट, तो आप क्या करो डॉट प्रोडक्ट के लिए, पहले तो कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम कर दें, ये लीजिए इसका स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू, ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे जो स्क्वायर कर दिया तो किसी भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट इस तरीके से, ऐसे ही इधर क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। नहीं समझ में आया तो एक बार देख लो प्यारे, अगर कहीं पे भी इस तरीके से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं तो ये होता है ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा की जगह ए ए कॉस थीटा। दोनों वेक्टर सेम है, दोनों के बीच एंगल होगा सेम डायरेक्शन की वजह से जीरो, कॉस जीरो वन होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो कहीं पे भी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रखा है तो इसका मतलब उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट लिया होगा। ऐसे यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट लिया होगा। देखो मॉड की जगह मॉड हट गया, यहाँ मॉड लगाए इधर मॉड नहीं लगेगा, तो ये मत कहना सर यहाँ भी मॉड लगाओ सर स्क्वायर है, भैया ये मैथमेटिकल स्क्वायर करके ये नहीं है, उधर मॉड है इधर नहीं है, यहाँ मॉड नहीं लगेगा। अब बस सिंपल ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलोगे ए बी के बीच का एंगल आ ही जाना है, ए को ए से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो पहला टर्म होगा, जल्दी से कर रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका ए बी कॉस थीटा और ये हो गया बी ए कॉस थीटा, जो मिलके हो जाएगा ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और थीटा किसके बीच का एंगल होगा, ऑब्वियसली ए एंड बी के बीच जो हमने निकाला। ये हो गया आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा माइनस ए बी कॉस थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा और ये हो गया आपका बी स्क्वायर। अरे यार ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, अरे यार बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ये पूरा इधर आके प्लस होके बन जाएगा टू ए बी कॉस थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा फोर ए बी कॉस थीटा, उधर हो जाएगा जीरो। यारे इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, फोर ए बी नीचे आएगा। और भैया अगर कॉस थीटा जीरो है तो कितने एंगल पर वैल्यू कॉस थीटा की जीरो होती है, जी हाँ कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। इसका मतलब अगर ये हमें दे रखा था ये इसके इक्वल है तो उसने पूछा था कि भैया इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो लो बता दिया आपने कितना 90 डिग्री। तो समझ पा रहे हो कितनी अच्छी चीज़ है, कितने आसान से न्यूमेरिकल्स हैं वेक्टर्स के, सिंपल सिंपल चल रहे हैं, पहले से थोड़ा एक लेवल ऊपर हो गया, आगे और लेवल ऊपर होगा और मज़े आएंगे, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है प्यारे, चलिए अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अगला क्वेश्चन, ये करना शुरू करिए जल्दी से पीछे वाला करने के बाद। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं बताऊंगा, दो पार्ट आपको करने होंगे। कह रहे हैं डिटरमाइन द एंगल्स विच द वेक्टर्स
दिस मीट्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई भी एक वेक्टर है, लेट से मैंने ऐसे बना दिया, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, जो कि हमें दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, मेक्स एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये हमने बताना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और बाहर की तरफ जेड एक्सिस जो मैं इधर ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये पूछ रहे हैं कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो जैसा अभी करते आ रहे थे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता था, यहाँ पे भी यही करेंगे। दो वेक्टर्स कहाँ हैं, एक वेक्टर तो ये है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग ले लो। एक्स एक्सिस से अलोंग कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, जैसे किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से। जी हाँ, आई कैप यूनिट वेक्टर भी एक तरीके का वेक्टर ही है, वो बात अलग है कि उसका मैग्नीट्यूड वन है, लेकिन डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड तो वन है, वो खुद एक वेक्टर है आई कैप यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं इस तरफ ये आई कैप बना दूँ, इसने अगर ये पूछा था कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल बताओ कितना है, तो यही एंगल तो पूछा है, लेट से अल्फा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर हमने निकालना है तो फिर से वही कंसेप्ट, क्या डॉट प्रोडक्ट का, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए वेक्टर का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट ले लो, उससे थीटा आ जाना है। फॉर्मूला लिखो जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। लेकिन बच्चे यहाँ पे बी नहीं है, बी की जगह आई कैप है, तो बी की जगह कर दो आप आई कैप। तो लीजिए ए वेक्टर की जगह तो आप लिख दो सिंपल आई कैप 5i कैप 0j कैप प्लस 5k कैप डॉट आई कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो भैया, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऐसे दे रखा है अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये तो आपका हो गया अंडर रूट 50। ठीक है चलो, और कॉस नहीं, ये तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, अब आई कैप का मैग्नीट्यूड, भैया आई कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट यानी कितना, 1। ठीक है, और कॉस थीटा, थीटा हमने निकालना ही है, तो ये लीजिए इस तरीके से ये हो गया। इधर भी तो सॉल्व करो, डॉट प्रोडक्ट अगर आई जे के टर्म्स में करते हैं तो कैसे करते हैं, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, यहाँ तो सिर्फ आई है तो आई का आई से कर दो, कितना हो गया, आई का आई से हो गया आपका 5। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो 5 1 5। अभी सिंपली कॉस थीटा निकालने के लिए ये आप इधर ले आइए, अंडर रूट 50 अगर आप करो तो अंडर रूट 50 होता है 2 × 25 और ये 5/√2 और 25 का अंडर रूट बाहर आके 5 बन जाएगा। अरे भैया 5 से 5 कॉस गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यानी कितने एंगल पे 1/√2 होता है, बोलो कितने पे, बोले सर 45 डिग्री। कुछ बच्चों को याद नहीं है, सोचने लग जाते हैं, अरे ये चीज़ ऑन टिप्स होनी चाहिए, जो फिक्स एंगल्स हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री, इसमें साइन कॉस और टेन की वैल्यू ऑन टिप्स होनी चाहिए यार, बाकी कोई भी आएगी तो टेबल से करेंगे। फिलहाल 11th में आके अब ये नहीं है कि आप सोचोगे कितने एंगल पे होती है, जैसे ही आपने एंगल निकाल लिया, अरे एंगल ए का आई से अल्फा कर रहे थे तो यहाँ थीटा ना लिख के भैया हर जगह अल्फा अल्फा लिख दो, अल्फा 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 बुरा मान जाएगा वरना। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं इसका वाई एक्सिस से एंगल लो, वाई एक्सिस से एंगल कितना बन रहा होगा, लेट से बीटा, बीटा निकाल लो। अब वाई एक्सिस से निकालना है तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट, फिर से डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगाओगे, लेकिन अब की बात किससे, एक ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग जो कौन होता है जे कैप, तो इसका ए वेक्टर का जे से डॉट प्रोडक्ट लोगे क्या आएगा, इससे मुझे बीटा निकाल के बताओ। ऐसे ही फिर जब जेड एक्सिस से एंगल निकालना होगा तो लेट इट बी गामा, उसका एंगल मुझे निकाल के बताओ और बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, अपने आप करेंगे, पॉज करके पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने आप करिए, तब ही आगे बढ़ना। ठीक है प्यारे, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में आज कराने वाला हूँ सारे इसी में, ताकि एक ही कंटिन्यूटी में सारी चीज़ें दिमाग में
बस जाएं, इसलिए इंटरेस्ट बनाए रखिए। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट पे अगले लेक्चर में। कह रहे हैं इफ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर ए कैप एंड बी कैप, ले भैया कैप की बात हो गई, यानी ये यूनिट वेक्टर्स हैं और इंक्लाइंड एंड एन एंगल थीटा डिग्री, दो यूनिट वेक्टर्स हैं, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, एंगल दे रखा है। तो कह रहे हैं ये प्रूव हो कि ए कैप माइनस बी कैप इतना होएगा। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। अच्छा, सर ने कहा था कि जब भी एंगल की बात होए तो कौन सा कंसेप्ट लगाना, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट का ही कंसेप्ट लगेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बोले अरे सर कॉस थीटा लगाएंगे तो कॉस निकल के आएगा, सर यहाँ तो साइन है। कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, स्टेप्स ओनली, वरी अबाउट स्टेप्स जो मैंने बताया, आंसर अपने आप आएगा भैया, अपने आप आएगा। देखो जैसे आपको मालूम है बच्चे, अगर ए कैप का अगर हम स्क्वायर लेते हैं इस तरीके से, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही हर क्वेश्चन ऐसे ही करते आ रहे हैं, अभी भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो, क्या नो, ये नाउ अगर इसके हिसाब से वहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लें, तो जैसे यहाँ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर था, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। चलिए LHS तो हमारी आ गई, जो हमें LHS में चाहिए स्क्वायर है, तो आखिरी में अंडर रूट कर देंगे, बनी जाएगी बात। इसको अभी आगे प्रोसीडते हैं, तो इसका इससे डॉट, इसका इससे डॉट, ये हो गया ए कैप इंटू ए कैप, ए कैप इंटू ए कैप, दूसरा हो गया ए कैप इंटू माइनस में ए कैप इंटू बी कैप। अरे भैया कहीं जल्दबाजी में आप भावनाओं में मत बह जाना, ये मैथ्स नहीं है, ए कैप इंटू नहीं है, बीच में डॉट है भैया, इंटू नहीं होता, यहाँ तो ये लगा दिया तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा, कहानी पलट जाएगी, मैथ्स नहीं चल रही है, फिजिक्स वेक्टर चल रही है, तो डॉट है तो डॉट लगेगा, डॉट है तो डॉट ही लगेगा। ऐसे ही इसका इससे करेंगे तो माइनस बी कैप डॉट ए कैप, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप, ठीक है भैया। ए कैप डॉट ए कैप कितना हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था, साइड में कर दे रहे हैं, चलो ए कैप डॉट ए कैप हो जाएगा आपका ए कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, सेम वेक्टर्स के बीच एंगल होता है जीरो, कॉस जीरो वन होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वन होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, तो ये वन आ जाएगा, ए कैप डॉट ए कैप लिख दो वन। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप करोगे, ये हो जाएगा ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल जो हमने निकालना है, ठीक है, निकालना नहीं है, ये प्रूफ करना है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा। ऐसे ही माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और बी कैप डॉट बी कैप फिर से जैसे ए कैप डॉट ए कैप वन होता है, ये भी हो जाएगा वन। अरे वन माइनस वन नहीं कटा, यहाँ प्लस लगा था, तो वन प्लस वन हो गया टू, और प्यारे ये हो गया आपका, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो माइनस ट्वाइस ए कैप बी कैप और कॉस थीटा। अरे ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चे, वन, किसी भी यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का वन वन, ये तो गायब हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, टू कॉमन चॉमन ले लो, वन माइनस कॉस थीटा। प्यारे यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगेगी, फॉर्मूला लगेगा, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नोट लो कि भैया वन माइनस कॉस थीटा मैथ्स में पता है किसके इक्वल होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के, ये फॉर्मूला होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत ही मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, ऐसी एक ये भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा की जगह हम क्योंकि साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ही हमारा दिमाग चला कि कॉस को साइन में कन्वर्ट हम ऐसे कर सकते हैं, तो ये लीजिए इसकी जगह हमने लिख दिया पूरा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है बच्चे, ये आपका हो गया फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाना है, ये लीजिए अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट करेंगे तो फोर का हो जाएगा टू और साइन स्क्वायर में से स्क्वायर हट जाएगा, बन जाएगा साइन थीटा बाई
टू। अरे देखना जरा, कहीं यही तो नहीं प्रूफ ना था। अरे यही प्रूफ करना था। देखा आपने, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ प्यारे, दिमाग में बसाओ, बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी एंगल की बात आए तो सर ने बोला डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगाओ, कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर आ ही जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको समझिए, फिर अपने आप करिए, फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। बेहतरीन क्वेश्चन, मुझे लगता है आप ये खुद कर पाएंगे। अगर जितना मैंने पढ़ाया समझ में आ रहा है तो पॉज करके, ये तो बनता है आपका खुद करना, पॉज करिए, खुद करिए और फिर देखिए। कह रहे हैं फॉर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू सी वेक्टर, ये दे रखा है आपको पहले से, और दे रखा है आपको एंड ए वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ वेक्टर का साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड्स का सम तीसरे के बराबर है। प्रूव दैट ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल प्रूव करना है कि भैया जीरो डिग्री होगा, ये निकाल के दिखाना है। फिर से वही बात, बार बार वही बात, जहाँ पे भी एंगल निकालना है कॉस थीटा निकालना है, डॉट प्रोडक्ट का ही कंसेप्ट लगेगा। डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर है तो मान लो भैया डॉट प्रोडक्ट से ही होना है। चलो ऐसा करो कि ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसका किससे, बी को उधर ले जाएं उधर ले जाएं। अरे नहीं, बी और सी के बीच थोड़े ना निकालना है, ए और बी के बीच निकालना है तो इसको यहीं पड़ा रहन दो, यहीं पड़ा रहन दो, इसका इसी से ही डॉट प्रोडक्ट ले लो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से, और इधर सी वेक्टर डॉट सी का सी से। जल्दी से खोलिए, ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर करेंगे तो ए बी कॉस थीटा प्लस बी ए कॉस थीटा टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, जहाँ पे थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। तो प्यारे ये तो आ गया, लेकिन थीटा निकालने के लिए ए और बी और सी को तीनों को एलिमिनेट ना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेटेंगे, तो ये दे रखा है ना, इसका ये किस खेत की मूली है, इसका यूज़ नहीं करोगे का करोगे, सी सी दे रखा है ना, सी की जगह यहाँ पे लिख दो किसका स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर लिख दो। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। जब इसे करोगे ब्रैकेट खोल के तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। देख रहे हो कितना सिंपल होने वाला है, सारी कहानी कट रही है ए स्क्वायर से बी स्क्वायर से टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू टू ए बी। ठीक है, ए टू ए बी भी कॉट गया, क्या बच गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अरे जीरो मत लिख देना भैया, कट के वन आता है, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, वन आएगा भैया वन। और कितने एंगल पे वन होता है, अरे कितने एंगल पे, 90 डिग्री नहीं भैया, जीरो डिग्री पे, ये जीरो डिग्री पे वन होता है, यानी इन दोनों वेक्टर्स के बीच जीरो डिग्री एंगल है, यानी ये दोनों पैरेलल है, और यही हमने प्रूफ करना था। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है बच्चे, इसका एक तरीका और भी है सॉल्व करने का। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट सी वेक्टर है, ध्यान देना, आपको हर तरीके से पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। क्या करोगे, क्योंकि सी वेक्टर रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो आपने एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था, जैसे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट था, तो हम आर को लिखते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे आर ना होके सी लिख देंगे, सी का मैग्नीट्यूड लिख देंगे क्योंकि रिजल्टेंट सी है, तो यहाँ से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो, सी की वैल्यू यहाँ पे डाल देते ये ए प्लस बी और फिर उसका स्क्वायर करके करते, तो देखो थोड़े से स्टेप्स जल्दी हो जाते, कम हो जाते, आंसर जल्दी आ जाता है। तो जो भी दिमाग में आ रहा है वो कर लो, वैसे कंसेप्ट के हिसाब से डॉट प्रोडक्ट आएगा दिमाग में, ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, ये इससे ज़रूर करके देखना क्या आएगा। और एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्या करोगे, जैसे इसमें ये दे रखा था पहले से कि ये इसके इक्वल है, तो और ये चीज़ दे रखी है, तो प्रूफ करना था कि ये दोनों पैरेलल हैं,
अब की मैं कर दे रहा हूं कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ए और बी के बीच एंगल निकालो कि कितना होएगा अगर ये इस तरीके से दे रखा है। चलिए पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है। ये आज का क्विज क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेट्स सी कि कौन कौन बच्चे इसको सॉल्व करके सही आंसर मुझे देते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। फिलहाल बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सब अपने आप में अलग अलग किस्म के क्वेश्चन हैं, कंसेप्ट वही है, ठीक है। अभी क्या है, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ कर आ रहा हूँ उससे और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं ताकि पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाए। कहाँ से डाउनलोड करेंगे असाइनमेंट, उसमें ये भी क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस के भी होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है ऐप का, उस ऐप से डाउनलोड करके आप फ्री में रजिस्टर करके इसकी असाइनमेंट पूरे चैप्टर की डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल बात आई सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, तो लो पहले तो सम करो, ये सम कर दिया, लो डिफरेंस भी करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, लो डिफरेंस भी कर दिया। कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। लेट से इन दोनों को सम लेके एक नया वेक्टर बना, लेट इट बी पी वेक्टर। इन दोनों का डिफरेंस लेके एक नया वेक्टर बना होगा, लेट इट बी क्यू वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 90 डिग्री, देन प्रूव दैट बोथ द वेक्टर्स आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड। टू प्रूव, क्या प्रूव ना है कि दो वेक्टर्स कौन से ए एंड बी आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड है, ये हमने प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल है, फिर से वही बात, फिर से वही 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 एंगल 90 डिग्री कंसेप्ट, डॉट प्रोडक्ट। किसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, पी और क्यू के बीच का, ए और बी के बीच का नहीं, ए और बी के तो मैग्नीट्यूड निकालना इक्वल है, ए बी के बीच का एंगल नहीं दे रखा है, पी और क्यू के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो पी वेक्टर का क्यू वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लो, जिसका फॉर्मूला होगा पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। थीटा कितना है इन दोनों के बीच, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, डायरेक्ट लिखो जीरो। यानी पी की जगह लिख दो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जल्दी से ब्रैकेट ब्रैकेट खोल लो, आंसर आ जाएगा। इसका इससे कर लो, अब थोड़ा जल्दी कर दे रहो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अरे यार जल्दी बाजी में गड़बड़ हो जाती है, ए वेक्टर, फिर हो गया माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और फिर हो गया प्लस ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये आएगा माइनस ए बी कॉस थीटा, ये प्लस बी ए कॉस थीटा, ये दोनों काट जाएंगे तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये उधर गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दोनों तब अंडर रूट ले लिया, ए इज इक्वल टू बी है प्रूव, और ये सॉल्व हो गया। कितना सिंपल है, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, करते जाइए, आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ये जो असाइनमेंट लेक्चर चल रहा है, न्यूमेरिकल लेक्चर चल रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं समझ में आया, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए ताकि आगे और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए आते रहें। फिलहाल पॉज करके अपने आप करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे भैया अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, मास्टर क्वेश्चन आने वाला है प्यारे, पूरी असाइनमेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है जो मैंने आपसे लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था हम करेंगे। मास्टर क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पे लगेंगे, ठीक है प्यारे। चलिए लेट सी द मास्टर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ओके प्यारे, तो आपकी स्क्रीन पे है मास्टर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट भी लगेगा और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट भी लगेगा थोड़ा मोड़ा। कैसे, देखिए बोले हैं आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बिल्कुल, ये तो आपको पहले से ही मालूम था। ये लीजिए, ये एक्स एक्सिस बना लिया आपने, ये एक्स एक्सिस और ये
वाई एक्सिस, नीचे की तरफ है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, ये है आपका ओरिजिन। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है दिस इज आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दिस इज जे कैप, ठीक है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप, कह रहे हैं ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का नाम हम लिख ले रहे हैं ए वेक्टर, जिसको हम बोल रहे हैं आई कैप प्लस जे कैप, और एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं बी वेक्टर यानी आई कैप माइनस जे कैप। कह रहे हैं इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ। मैग्नीट्यूड तो बहुत सिंपल है, ये लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आई और जे का कोफिशियंट होता है उसका स्क्वायर करके ऐड देना है। ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू। ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये लो आ गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, भी 1 का स्क्वायर ही होगा, ये भी कितना आ गया रूट टू। ये लो दोनों के मैग्नीट्यूड्स आ गए रूट टू रूट टू, ठीक है भैया। इन दोनों के डायरेक्शंस निकालने हैं। डायरेक्शंस बेटा जब भी निकाले जाते हैं तो किसके टर्म्स में निकाले जाते हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पे जाइए, काफ़ी सारे लेक्चर्स आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे। रिजल्टेंट का डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर बताया जाता है तो किसी एक दूसरे वेक्टर से एंगल निकाल के बताया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम आई कैप प्लस जे कैप, कोई एक वेक्टर रहा होगा कहीं पे, कहाँ रहा होगा वो बताएंगे, अगर उसका डायरेक्शन पूछा है तो सिंपली अगर हम उसका एंगल एक्स एक्सिस से निकाल दें या वाई एक्सिस से निकाल दें, चलो लेट से एक्स एक्सिस से अगर उसका एंगल निकाल के बता दें तो हम कह देंगे, मान लो अगर एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री आ गया तो हम कह देंगे ए वेक्टर का जो आई कैप प्लस जे कैप है उसका डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर। डायरेक्शन हमेशा एंगल के टर्म्स में बताया जाता है। फिलहाल ये वेक्टर तो बनाओ पहले, आई कैप प्लस जे कैप कहाँ बनेगा, अरे भैया आई कैप प्लस जे कैप कोई एक वेक्टर दे रखा है, इसका मतलब इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ा होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड आया होगा 1 और वाई एक्सिस के अलोंग भी मैग्नीट्यूड आया होगा प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1 यहाँ भी प्लस 1, ये मतलब 1-1 तो मैग्नीट्यूड है और प्लस आई कैप प्लस जे कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब एक पॉजिटिव उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है। एक बार फिर से देख लो, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप लिखा है, यहाँ पे 1-1 का मतलब है मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट तोड़ने के बाद एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड उसका 1-1 होगा, वेक्टर का नहीं कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 1-1 होगा, और जो दो कंपोनेंट्स होंगे एक पॉजिटिव आई कैप की तरफ होगा यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस जे कैप लिखा है। तो भैया एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो ऑब्वियस सी बात है जो वेक्टर है वो इन दोनों के बीच में रहा होगा, लेट से इसका नाम तो ए वेक्टर था ही था। जब हमने इसको तोड़ा होगा इस तरीके से तो एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड कितना आया होगा, ये ओ मान लें, ये ए मान लें, ये सी मान लें और ये बी मान लेते हैं। जब इस वेक्टर को हमने तोड़ा होगा इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो ये OA, OA की वैल्यू रही होगी कितनी, यहाँ लिख ले रहा हूँ, OA का मैग्नीट्यूड रहा होगा 1 और OB का मैग्नीट्यूड भी रहा होगा 1-1। समझ पा रही होगी नहीं सर, तोड़ने पर इसका मैग्नीट्यूड भी 1 इसका भी 1, ठीक है। हमें इसका डायरेक्शन निकालना है तो ये लीजिए डायरेक्शन, यानी ये थीटा निकाल लेते हैं, इसका एक्स एक्सिस से कितना है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ लिख रहा हूँ टेन थीटा हम निकाल लेते हैं। कैसे, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड है इस वाले ट्राइंगल में AC और बेस है OA, बेस है OA, तो AC अपॉन OA, AC खुद OB के बराबर होगा और OA तो OA है ही, तो ये लीजिए OB की जगह हम लिख देंगे 1 और OA की जगह 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, यानी ये थीटा लिखने की बजाय चलो यहाँ अल्फा लिख दे रहा हूँ, दूसरे के लिए बीटा लिख दूंगा, तो ये टेन अल्फा 1 आ गया, कितने एंगल पे वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे, तो ये हमें पता चल गया आई कैप प्लस जे कैप का डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है प्यारे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा था सर डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल निकालने के लिए अगर हमें एंगल निकालना था तो सर आप पूरे चैप्टर में बोल के आ रहे हो कि डॉट प्रोडक्ट लगाओ डॉट प्रोडक्ट लगाओ,
तो हाँ यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट से भी आ सकता है। हिंट दे रहा हूँ, अपने आप करना। आप क्या कर सकते थे, ए वेक्टर का डायरेक्शन आपको एक्स एक्सिस से लेना है, तो ए वेक्टर और आई कैप के बीच एंगल निकालना था, तो ए वेक्टर का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट लेके, जिसका फॉर्मूला ए का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड और कॉस एल्फा, इससे भी कर सकते थे, एल्फा निकाल सकते थे। देखना इससे ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों ऑप्शन सही हैं फिलहाल। अब बात आई दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर जो है प्यारे आई कैप माइनस जे कैप, इसका मतलब उसके जो दो कंपोनेंट हैं उसमें से एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव जेड एक्स नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है जिसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। अब सोचो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो ऑब्वियसली वो वेक्टर इन दोनों का बीच में रहा होगा, इन दोनों के बीच में रहा होगा वो रिजल्टेंट इन दोनों का ये। लेट सी, इसका नाम हम रख देते हैं डी, इसका नाम रख देते हैं ई। अब अगर इस OD वेक्टर जिसको हम B वेक्टर कह रहे थे जो i कैप माइनस j कैप था, अगर इसका डायरेक्शन निकालना है मैग्नीट्यूड के बाद, ऑब्वियसली इसका मतलब इसका एंगल निकालना है x एक्सिस के साथ कि ये एंगल कितना है। वही काम करेंगे प्यारे, tan बीटा लगाओगे, डायरेक्ट tan बीटा इज इक्वल टू AD अपॉन बेस OA होगा, और ऑब्वियसली इसे हमने तोड़ा था मैग्नीट्यूड 1 था, तो इसके अलोंग भी 1 था, वाई एक्सिस के अलोंग भी 1 था, तो इधर की तरफ 1, इधर की तरफ माइनस में है, तो यहाँ माइनस 1 लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी इसकी ए बी नहीं ए डी होगी, वो होगी माइनस 1, नीचे की तरफ माइनस 1 और इधर की तरफ प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1, यानी बीटा इज इक्वल टू माइनस 45 डिग्री। माइनस का मतलब क्या है, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर यहाँ पे AD की जगह आपने माइनस 1 क्यों लिखा, सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना है, तो सर 1 लिखते हैं मैग्नीट्यूड 1 लिखोगे। जी हाँ, आपकी बात भी सही है, आप यहाँ 1 लिख सकते हो, यहाँ भी 1 लिख सकते हो, तो tan बीटा 1 आ जाएगा, बीटा 45 आ जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा 45, तो इसमें भी आया इसमें भी आया, लेकिन अगर उस केस में आप 45 लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे 45 नीचे की तरफ, यानी क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस विद एक्स एक्सिस विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर माइनस 45 लिख दो, दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड सेकेंड पार्ट भी है, पहले इतना कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले और लास्ट पार्ट पे। ठीक है प्यारे, तो पढ़िए अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या बोले हैं, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर, एक ए वेक्टर दे रखा है, स्मॉल ए वेक्टर, कैपिटल ए से कैपिटल बी से तो हमने ऑलरेडी डिनोट कर दिए थे, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप। कह रहे हैं एक ये वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स निकालिए, कंपोनेंट्स का मतलब इसे रिजॉल्व करिए किस डायरेक्शन में। एक कह रहे हैं आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग, जो कि हमारा कौन सा वेक्टर था, ए वेक्टर, और एक आई कैप माइनस जे कैप के अलोंग, जो हमारा कौन सा था, बी वेक्टर। अभी इसको छोड़िए, पहले इस पे आ जाइए, इस वेक्टर के अलोंग हमें रिजॉल्व करना है। जनरली हम क्या करते थे, कोई अगर हमें ए वेक्टर दे रखा है तो जनरली हम एक एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते थे, एक इस एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के रिजॉल्व करते थे, है ना, ऐसे ही किया है, एक इधर एक इधर। लेकिन इस वेक्टर को इस एक्सिस के अलोंग नहीं करना है, कोई एक ए वेक्टर रहा होगा, लेट्स से कि ये ए वेक्टर ऐसे रहा होगा, ठीक है, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस ए वेक्टर के अलोंग जो कि आई कैप प्लस जे कैप है, इसको रिजॉल्व करेंगे, इस वाले को ध्यान से देखना, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, इधर की तरफ करेंगे, लेट्स से ये थीटा हो गया, तो इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा इसका ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ए साइन थीटा। जैसे इसको हम रिजॉल्व करते हैं इधर की तरफ, तो थीटा के साइड जो आता है वो ए कॉस थीटा, और उसके 90 डिग्री पे जो आता है वो आता है ए साइन थीटा। तो वही काम यहां करना है, इस ए वेक्टर को रिजॉल्व पूरा एक्स एक्सिस की तरफ नहीं करना है, एक कंपोनेंट इस वाले के अलोंग लेना है, तो दूसरा इस वाले के अलोंग होगा, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा वाला, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इसको रब कर दे रहे हैं, क्योंकि उसने सिर्फ पूछा है What is the component of, find the component of this A vector
अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, इस वाले वेक्टर के अलोंग ये वाला कंपोनेंट हमने निकालना है। प्यारे अगर हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं इस वेक्टर का इसके अलोंग, तो हम यहाँ लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? खुद आई कैप प्लस जे कैप, इसके अलोंग निकालना है। तो वो बेटा खुद क्या होगा? कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा प्यारे? लेकिन अगर हम जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं, कंपोनेंट इधर की तरफ जो निकाल रहे हैं, ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो लिखोगे। अगर ये मैग्नीट्यूड हो गया तो डायरेक्शन भी तो लिखोगे, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? वो वही होगा जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है, क्योंकि इसको हम इसके अलोंग रिजॉल्व कर रहे हैं, इस वाले वेक्टर के अलोंग रिजॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्शन भी तो इसी का लेंगे। और इसका जो डायरेक्शन है वो इसके यूनिट वेक्टर से पता चलेगा, और यूनिट वेक्टर किससे डिनोट करते हैं? ए कैप से। इतनी बात समझे नहीं समझे? किसी भी कंपोनेंट में जनरली अभी तक जब भी हमने कंपोनेंट करे थे उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला था, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालना होगा, क्योंकि कंपोनेंट पूछा है उसमें दोनों ही चीज़ें निकालेंगे। मैग्नीट्यूड उसका ए कॉस थीटा होगा, डायरेक्शन ए कैप के अलोंग होगा, यानी आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग होगा। तो लीजिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे एक काम तो ये करेंगे कि ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। एक काम तो ये करेंगे, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा काम ये करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे ए ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट पिट जाएगा। बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं प्यारे ताकि ऊपर ए ए कॉस थीटा बन जाए, ए बी कॉस थीटा की तरह ए ए कॉस थीटा, जिसे हम क्या लिखेंगे देखेंगे, ऐसे ही नीचे ये देखिए क्या होगा, ए ए कॉस थीटा को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है, ऐसी ए ए कॉस थीटा को दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, ऐसे ही नीचे बन जाएगा बच्चे ए स्क्वायर, और ए वेक्टर वैसे ही रहेगा, ठीक है। अभी क्या करें, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर हम करें तो ए वेक्टर तो हमारा क्या है बच्चे, ये क्या है हमारा, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ठीक है। और कैपिटल ए वेक्टर क्या है? कैपिटल ए वेक्टर ये दे रखा है क्या, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और ए वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है भैया। और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो अभी हमने निकाला था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी अंडर रूट टू आया था, और अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे, अगर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाना है टू। तो पहले तो आप ये काम करिए, बीच में डॉट वॉट भैया लगाते चलो, कहीं भूल मत जाना। आई डॉट लगाने के लिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आई को आई से जे को जे से, तो टू टू ज़ा फोर, सॉरी टू वन ज़ा टू प्लस थ्री वन ज़ा थ्री, तो टू प्लस थ्री ये हो जाएगा फाइव, ठीक है। आई का आई से जे का जे से, तो टू प्लस थ्री फाइव अपॉन टू, आई कैप प्लस जे कैप वैसे का वैसे ही बना हुआ है। ये आपका कंपोनेंट आ गया कौन सा, अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, जो आपसे पूछा था। थोड़ा सा अलग है, मास्टर क्वेश्चन तभी है, अगर नहीं समझ में आए एक बार फिर से देखिए, पक्के से समझ में आ जाएगा। दूसरा और देख लो प्यारे, कह रहे हैं कंपोनेंट निकालो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन सा, एक तो इसके अलोंग निकाल लिया, दूसरा इसके अलोंग निकालना है, आई कैप माइनस जे कैप। अब ये डायग्राम शाइग्राम बनाने के बजाय डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जैसे ये आया ये आया ये आया, ए का हमने ए वेक्टर से निकाला था तो ये फॉर्मूला बना, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली करके। यहाँ ए वेक्टर का बी से कर रहे हैं तो ए वेक्टर का बी वेक्टर से बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का स्क्वायर, और यहाँ पे बी वेक्टर सिंपली कर दीजिए। ए वेक्टर तो आपका है ये कितना, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप डॉट बी वेक्टर है आपका ये आई कैप माइनस जे कैप, ये आपका पूरा निकलेगा। और बी का स्क्वायर हो गया मतलब इसका स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपने पहले ही निकाला था,
रूट टू आप निकाल चुके हैं इसका, रूट टू डायरेक्ट लिख रहे हैं, और यहाँ पे बी वेक्टर है ही आई कैप माइनस जे कैप। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करिए आई को आई से, जे को जे से, यानी टू वन ज़ा टू माइनस थ्री, ये हो जाएगा टू वन ज़ा टू, टू और थ्री माइनस थ्री, थ्री इंटू माइनस वन हो जाएगा वन, यानी टू माइनस थ्री हो जाएगा, टू इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस थ्री, यानी हो जाएगा ऊपर माइनस वन अपॉन रूट टू है ही है, और आई कैप माइनस जे कैप ये ऐसे ही रहेगा। ये आपका दूसरा कंपोनेंट आ गया अलोंग आई कैप माइनस जे कैप। चाहे ब्रैकेट खोल के आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वन बाई रूट टू आई कैप प्लस वन बाई रूट टू जे कैप, नहीं तो ऐसे भी काफ़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, इसको आराम से समझिए और अपने आप करने की कोशिश करिए। तो प्यारे ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया तो थे साथ साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बेस्ड क्वेश्चंस लगाए हमने। प्रैक्टिस के लिए आप डाउनलोड करेंगे असाइनमेंट नीचे दिए गए लिंक से। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे, इसलिए सारे क्वेश्चंस अपने आप ज़रूर करिएगा। समझ में आए हैं तो ये करिए और मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम इसी की तरह जहाँ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था वहाँ हम पढ़ाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और इससे भी और बढ़िया लेक्चर वो होने वाला है। फिलहाल तब तक के लिए इंतज़ार करिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।